हेलो गाइस, आज हमने मेहमानों को इनवाइट किया हुआ है, नए जोड़े को इनवाइट किया हुआ है घर में डिनर पर। तो हम लोग कर रहे हैं सफाई आज पूरे घर की, और हमने थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज किया घर की। पहले डाइनिंग टेबल हमने अंदर लगाया हुआ था, अब डाइनिंग टेबल जो है वो हमने बाहर निकाल लिया है, और पूरा घर ऐसे भी खेर के रखा हुआ है। अंदर बेडरूम जो है वो दो हमने कर लिए, और अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें धो धो के वॉश करके रखी हुई हैं। ये सारा मैंने क्लियर कर दिया है, और अब इसमें मैं क्रिसमस के हवाले से चीज़ें लगाऊंगी, क्रिसमस डेकोरेशन। और ये शहजाद हैं, और हम दोनों मिलके सफाई कर रहे हैं, और बाद में जब नीट हो जाएगा घर फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फर्स्ट एनिवर्सरी की तस्वीर, सेकेंड वाले में मैंने ये क्रिसमस डेकोरेशन की है। ये डॉल जो है वो बहुत खूबसूरत है, और ये सारी चीज़ें जो हैं क्रिसमस की ये मेरे भाई ने मुझे भेजी थी। और इसके अलावा इस साइड पे टैडी बियर रखा हुआ है, उसके बाद ये भी क्रिसमस हैं, क्रिसमस की चीज़ें हैं। ये जो है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसकी बैक साइड से भी देखें। और ये जो दो हैं, एक सेंटा है, और ये दोनों हैं ये नमकदानियाँ, आपको नज़र आ रहे होंगे इनके सुराख। इसमें आप ये डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, आप इसमें नमक और जो भी आप डालना चाह रहे हैं, इसमें काली मिर्च और नमक वगैरह डाल के। तो ये मेरी टीवी की जो है एरिया वो डेकोरेट हो चुका है। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could. हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, क्योंकि हमने बाहर डिनर पे जाना है, और घर में मैं डिनर नहीं तैयार
कर पाई गेस्ट्स के लिए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और आपको पता है कि मैं जॉब करती हूँ, टीचर हूँ, तो स्कूल की वजह से जो घर था वो काफ़ी साफ़ सफाई होने वाली थी घर की, तो तकरीबन मुझे और शहजाद को सारा दिन ही काम करते हुए और घर की सेटिंग वगैरह चेंज करते हुए दिन निकल गया पूरा। लेकिन अभी हम तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी होके बैठे हैं, शहजाद बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और मैं भी कपड़े पहन चुकी हूँ, तैयार भी हो चुकी हूँ, बस बाल बनाने बाकी हैं। और किजिया जो है वो अभी तैयार नहीं है, उसको तैयार करना है अभी। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी अब जो भाभी आएंगी ना उनको देने के लिए जो मैंने चीज़ें सिलेक्ट की हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। भाभी के लिए मैंने ये सूट जो है वो पसंद की है, ये देखें, ये शलवार है सामने, ये शलवार है और ये शलवार का जो है ये बॉर्डर बना हुआ है, ये शलवार के नीचे जो है वो बॉर्डर आएगा, ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और इसके अलावा ये कंट्रास्ट में जो है वो दुपट्टा है और ये जो है वो शर्ट है, ये कढ़ाई वाली शर्ट है, बहुत ही प्यारी कढ़ाई इसके ऊपर हुई हुई है। और ये लीलन का सूट है, तो क्योंकि न्यू कपल है, बिल्कुल अभी शादी थोड़े दिन पहले हुई है, तो उनके पास एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े तो बहुत ज़्यादा होंगे, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा सूट लेके देती हूँ, ऐसा ड्रेस जो कि वो घर में भी और अपनी जॉब पे भी पहन सकेंगी। इसके अलावा ये मैंने नाइटी एक रखी है उनके लिए, इसका बिल्कुल स्काई सा कलर है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये मेरे भाई ने मेरे लिए कनाडा से भेजी थी, तो मैंने काफ़ी देर से रखी हुई थी संभाल के, लास्ट ईयर क्रिसमस पे आई थी मुझे, तो ये अभी मैं, ये मेरे भाई की दी हुई स्पेशल है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तो इसीलिए मैं स्पेशल गेस्ट को ही देना चाह रही हूँ मैं ये, तो ये यकीनन उनको बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा एक ये चूड़ियों का जो है वो सेट मैंने उनके लिए लिया है, तो बस ये तीन चीज़ें मैंने उनके लिए ली हैं। तो अभी हम बाहर जाएंगे डिनर करने के लिए, तो घर जो है वो मैंने काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो सेट कर लिया, वो पीछे बेड के पीछे वाली साइड पे ना ये शहजाद ने रखे हैं खिलौने किजिया के, क्योंकि वो रात को जब उठती है ना तो वो फिर बहुत इंजॉय करती है इनको देख के। तो अभी किजिया की बारी आएगी तैयार होने की, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आज हमने बहुत मेहनत किया घर को साफ करने में, ये हमारा बेडरूम है, और आपको मैं दिखा दूँ ये कुशन्स नए मैंने लिए थे, ये गोजरा से मैंने कुशन्स लिए हैं और ये बहुत प्यारे लगे थे मुझे कुशन्स, इसलिए मैं वहाँ से गोजरा से लेके आई थी, और ये बेडशीट जो है ये भी मैं गोजरा से लेके आई थी। और अभी मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, हमने टोटली अपनी सेटिंग जो है वो चेंज कर दी है घर की, और ये हमारा लाउंज है, टीवी लाउंज, यहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल लगा रखा है, और अभी हमने इस्त्री जो है वो कपड़े प्रेस करने के लिए जो है वो नहीं लेके आए टेबल, तो इसीलिए फिर यहाँ पे हमने घेस भी छा रखा है, कपड़े प्रेस किए थे तो इसलिए डाइनिंग टेबल पे। और इसके अलावा ये सामने देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, क्रिसमस ट्री है और इसके साथ क्रिसमस की डेकोरेशन की हुई है। और इसके अलावा ये बीटा का रूम रेडी कर दिया है, ये भी क्रिसमस की डेकोरेशन है, क्रिसमस बेल्स हैं, इसके अलावा क्रिसमस की और छोटी छोटी बहुत सारी जो हैं वो मैंने चीज़ें लगाई हैं। और अभी ये डोर्स रह गए हैं और इनके ऊपर मैं रेथ लगाऊंगी, और ये बीटा का रूम जो है वो रेडी किया है मैंने, बीटा हॉस्पिटल के लिए रेडी हो रही है, ये उसने यूनिफॉर्म रखा हुआ है अभी प्रेस करके, तो ये हमने बीटा का रूम रेडी किया है, और जब मामा आएंगी ना तो फिर वो बीटा के साथ यहाँ पे स्टे करेंगी इस रूम में। बस अभी हम मेहमानों का वेट कर रहे हैं, तो अभी टाइम है 6:40 होने वाले हैं, तो 6 बजे का टाइम दिया था मैंने हिना को, तो बस आ ही रहे होंगे वो घर में,
बस हम उनका वेट कर रहे हैं आने का, और उसके बाद हम चाय पियेंगे, और चाय पीने के बाद फिर हम जो है वो डिनर के लिए बाहर चले जाएंगे। मैं और किजिया तैयार होकर बैठे हुए हैं और मेहमानों का वेट कर रहे हैं। अभी 8:15 का टाइम हो चुका है, 6 बजे का टाइम दिया था, 8:15 हो चुके हैं, तो वो पहुंचने वाले हैं बस हिना लोग। तो फिर उसके बाद हम चाय पियेंगे और फिर डिनर करने के लिए बाहर जाएंगे। गुड इवनिंग, आ जाए। आते हैं अंदर। कौन बनाया है किसी? मामा मामा जी जी। आ जाए। अच्छे लग रहे हैं दोनों। थैंक यू। माहिर किधर है? आ रहा है। हिना? हिना? ताहिर के पास होगी। कपड़े भी मेरे से हैं सारे। ताहिर माहिर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लड़कों में आ रहे हैं दोनों। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in. शैतान इधर आ जाओ। पूरे साथ ही बैठ, साथ ही बैठ गए। तुम आगे हो जाओ। वो ज़्यादा ना। आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। ये चीज़ वीडियो में नहीं आनी चाहिए। पहली क्या? कौन सी वाली चीज़? कुर्सियाँ सिलेक्ट हो रही हैं। आने दो जी। नहीं ये सिलेक्ट करें। आज कैमरा इधर से हटाने को दिल नहीं कर रहा। नहीं और भी मिल जाएंगे, लेकिन फिश के साथ और फिश के साथ लड़कियों वाला। Thank you.
मेरी तो ले ली थी तू तुझे मैं फोन दे सही क्या कहती हो अच्छा वीडियो बनवा Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people चलो ये ना सर्व करो चलो भाई हेलो कैमरे की आंख देख रही है